अनिल सक्सेना रेलवे प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये एक्सीडेंट जो है 5:50 के आसपास हुआ है जी, और ये 18477 पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ है, जो वाया दिल्ली होके हरिद्वार जाती है जी। और ये हादसा उत्तर प्रदेश के खतौली स्टेशन के पास हुआ है जी, जो मेरठ सहारनपुर इंडियन रेलवे के सेक्शन में पड़ता है, और रेलवे के हिसाब से ये नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में पड़ती है दुर्घटना स्थल जी। अभी हमारा फोकस यही है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को मोबिलाइज किया, हमने अपनी सारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को मोबिलाइज किया है, सीनियर ऑफिशियल दिल्ली डिवीजन के दिल्ली से रवाना हुए हैं, एम्बुलेंसेस स्टेट डिपार्टमेंट के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से एम्बुलेंसेस को बुलवा लिया है, डीआरएफ की टीम को अलर्ट किया है कि रेस्क्यू में हमको मदद करें जी, और आस पास से रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं जी। और अभी कोई कारणों का पता नहीं है, पूरी डिटेल्स नहीं आई है जी, जैसी और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे जी। कितने डब्बे जो है क्षतिग्रस्त? पांच डिब्बे अभी जो खबर मेरे पास हेडक्वार्टर में है उसके हिसाब से 5 डिब्बे डिरेल हुए हैं जी, कई लोगों के मारे जाने की भी अनिल जी यहां पर खबर आ रही है, कई लोग घायल हुए हैं, क्या ये आंकड़ा? नहीं देखिए, अभी विषय पे कोई भी ऑथेंटिक प्रमाणिक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान हमारा इस वक्त फोकस रिलीफ और रेस्क्यू मिशनरी को दुरुस्त करना है ताकि वो भली भांति रिलीफ रेस्क्यू हो सके, जैसी वेरीफाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमको उपलब्ध होती है वो हम आपको शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सक्सेना जी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।